कुछ कहते हैं ज्ञान से कल्याण होगा, कुछ कहते हैं भक्ति से श्रद्धा से कल्याण होगा, कुछ कहते हैं कर्म से कल्याण। फिर जिनके पास तात्विक दृष्टि नहीं है तो फिर तो बोलते हैं हिंदू बनने से, सिख ईसाई मुसलमान जैन बौद्ध बनने से कल्याण होगा। कुछ कहते हैं धनवान होने से ही कल्याण होगा, संग्रह करने से कल्याण होगा, आपके पास अकूत धन दौलत हो तब कल्याण होगा। कुछ कहते हैं सब कुछ छोड़ने से, सब कुछ त्याग करने से, पूर्ण दरिद्रता का जीवन स्वीकार करने से, पूर्ण अभावों का जीवन स्वीकार करने से ही कल्याण होगा। दोनों दो क्षौरों पर, दो ध्रुवों पर, एक प्रवृत्ति की एक निवृत्ति की ऐसी रेखा खींच करके खड़े हैं और उसमें एक दूसरे को का प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे को अस्वीकार कर रहे हैं। यह अस्वीकार्यता नहीं, अनुलोम विलोम करते करते आपको ही कह रहा हूं, कुछ कहते हैं इससे कल्याण होगा, कुछ कहते हैं इससे कल्याण, इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रधानता से मैं एक बात का कथन कर रहा हूं, सही अभ्यासों से ही कल्याण, चाहे वो विद्या का अभ्यास है, विवेक पूर्वक जीना भी एक अभ्यास है, श्रद्धा पूर्वक जीना भी एक अभ्यास है, पुरुषार्थ पूर्वक जीना ये अभ्यास है, ये सम्यक अभ्यास है, ये उन्नत अभ्यास है, ये दिव्य अभ्यास है। दिव्य अभ्यासों से ही हमारा कल्याण होगा और कोई मार्ग है नहीं। अभ्यास जीवन का सबसे बड़ा साधन है, आचरण एग्जीक्यूशन सब क्षेत्रों में, प्रबंधन के क्षेत्र में, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में एक बात कही जाती है, परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन आचरण, मतलब ये अंतिम तत्व है जीवन का। एग्जीक्यूशन इज अल्टीमेट थिंग, एग्जीक्यूशन जब हो जाता है, आचरण जब हो जाता है, जब हम ठीक से परफॉर्म करते हैं, बोले भाई जो परफॉर्मर है किस में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, समाज जीवन है, चाहे राजनीतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें अपने अभ्यासों पर देना है। रात को सोने से लेकर सुबह उठने से लेकर के, सुबह योगा अभ्यास से लेकर के दिन के जो भी हमारे अभ्यास हैं, विद्या अभ्यास है, योग का अभ्यास है, उद्योग का अभ्यास है, घर परिवार में जीने का अभ्यास है, संबंधों में जीने का अभ्यास है, ज्ञान पूर्वक जीने का अभ्यास है, श्रद्धा पूर्वक जीने का अभ्यास है, पुरुषार्थ पूर्वक जीने का अभ्यास, अभ्यास अभ्यास इसको सर्वाधिक महत्व दो। अब योगाभ्यास में भगवान के साथ जीने का अभ्यास, जैसे कि हम भगवान के सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो जाएं, और जब भगवान के सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो जाएंगे तो हम शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाएंगे, हमारे माध्यम से वो भागवत शक्ति व्यक्त हो जाएगी। इसी को कहा है अहम ब्रह्मास्मि, इसी को हम शाश्वत का प्रतिनिधि होना कहते हैं, और हम मूलतः ईश्वर की ऋषि ऋषिकाओं के ही संतान हैं, हमें वही होना है।